विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क में हाल ही में तैयार किया गया बैगाहाट में फिल्म अभिनेत्री सिमता चयकर अपने साथियों के साथ बैगाहाट पहुंची, जहां उन्होंने खरीदारी कर व्यंजनों का लुफ्त उठाया। वहीं उन्होंने कहा कि संस्कृति को जानने का एक सुनहरा मौका मिला, यहां आकर शांति और अपनापन लगा। कान्हा घूमने आए थे रिजर्व में, तो यहाँ पता चला, कान्हा तो देखा वो तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर देखने आया कि बैगाहाट लगमा यहाँ जो नई शॉप वगैरह जिन लोगों ने जो शुरू की है, नई शुरुआत की है, वो बहुत अच्छी लगी। और वैरायटी वैरायटी के आइटम हैं और समूह वालों ने मिलकर ये शॉप खोली हुई है, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो बैगा डांस है, ये इन लोगों ने नई शुरुआत करी बैगा डांस की। जो आदिवासी लोगों ने जो डांस किया वो तो बहुत अच्छा था, पर उनके साथ हम लोग ने जो मिलकर डांस किया वो भी बहुत अच्छा था। तो बैगाहाट और लगमा ये बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा हमें, और बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ का नई शुरुआत है तो आगे और भी अच्छा अच्छा होते जाएगा, और यहाँ आएंगे लोग तो शॉप से सब खरीदेंगे भी। बहुत अच्छी अच्छी शॉप लगी यहाँ पर, सब हाथ से बना हुआ सामान है, तो बहुत ही अच्छा है ये। थैंक यू। कान्हा रिजर्व में हम लोग यहाँ पर एनिमल्स नेशनल पार्क आए थे देखने के लिए, बट यहाँ पर ये पहल बहुत अच्छी है जो बैगा कम्युनिटी की शुरुआत की गई है। यहाँ पर काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं, तो उनके लिए एक ये मिसाल है कि हाँ, हमारा कल्चर है। बैगा डांस भी बहुत हमने बहुत एंजॉय किया है, ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर बैगाहाट में कई शॉप्स लगी हुई हैं जो कि हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को शो करती है, और यहाँ काफ़ी अच्छा सामान है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इंडिया में हैं, कि इतनी विविधता है यहाँ पर, इतने अलग अलग कल्चर हैं, तो हर जगह यहाँ पर बैगा डांस बैगा कम्युनिटी का काफ़ी अच्छा लगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।